हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। हाउ आर यू? हमारा चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा था और सॉल्यूशन में आपने देखा था राउट लॉ प्रीवियस वीडियो में, और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द आइडियल सॉल्यूशन? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया था, आज फिर से आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से चेक करेंगे और ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो पूरी तरह से राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करता है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो पूरी तरह से राउल्ट के लॉ फॉलो करता है। अब राउल्ट के लॉ को फॉलो करने वाला जो सॉल्यूशन होगा उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो एक इंटायर रेंज के टेम्परेचर और कंसेंट्रेशन में, जो यानी कि मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ आपको, आप लोग ध्यान से सुनना, वह ऐसा सॉल्यूशन जो टेम्परेचर और कंसेंट्रेशन की इंटायर रेंज में राउल्ट लॉ का फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन में जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन की ये डेफिनेशन हम दे सकते हैं, और राउल्ट के लॉ को, और जनरली हम ध्यान रख सकते हैं कि राउल्ट के लॉ को फॉलो करने वाला जो सॉल्यूशन होता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो देखो, आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको हम यहाँ पर चेक करते हैं कि एक आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो नोट करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट द इंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एट द इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन, इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन, चलो मैं इधर लिख देता हूं उसको, कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आप इसको ध्यान से चेक करो कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है। एक टेम्परेचर की और कंसेंट्रेशन की आपको इंटायर रेंज होगी, और उस इंटायर रेंज में अगर ये सॉल्यूशन राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करता है या राउल्ट लॉ को ओबे करता है तो वो क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो, कंडीशंस क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, इट ओबे राउल्ट्स लॉ। इसको क्या करना पड़ेगा? राउल्ट लॉ को ओबे करना पड़ेगा। राउल्ट लॉ क्या है बताओ? राउल्ट लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर जिन कंपोनेंट्स को आप यूज कर रहे हो, कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? एक कंपोनेंट तो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों कंपोनेंट कम से कम होंगे, और जो आपका सॉल्यूशन मिक्सर है उसमें एक से अधिक सॉल्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर एज ए
इमेजिन कर रहे हैं, हम यहाँ पर मान रहे हैं कि हमारे सॉल्यूशन मिक्सर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट हैं, और दोनों जो कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। आपको पता ही है कि ईच पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जो पार्शियल प्रेशर होता है कंपोनेंट का वो उसके मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को कहता है कौन? राउल्ट्स कहता है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर कंडीशन एंड मल्टीप्लाई ऑफ इट्स मोल फ्रिक्शन। उसके मोल फ्रिक्शन और प्योर स्टेट में उसके पार्शियल प्रेशर के इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उसके पार्शियल प्रेशर के कंपोनेंट के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ए अगर आपने माना है सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए है प्योर स्टेज में कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर बोलेंगे। इसी प्रकार से कंपोनेंट बी का अगर आप देखेंगे तो इस कंपोनेंट बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसके मोल फ्रिक्शन के, ठीक है ना। और अगर सॉल्यूशन का टोटल हम पार्शियल प्रेशर देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, लिख सकते हैं क्या बताओ? पी एस क्या है? सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी ए और पी बी दोनों को आप यहां पर ऐड कर सकते हो। पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है ना। अगर इस रूल को फॉलो करता है कोई भी सॉल्यूशन तो वो क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, क्लियर। देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी जो प्रॉपर्टीज है आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो क्या है? वो है द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ, जो वॉल्यूम है किसका? आपके सॉल्यूशन मिक्सर का, वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है उसके सम का इक्वल होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिक्सर, यही तो बोलेंगे। वॉल्यूम सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट को बी मान लें एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और इसको ए मान लें, इसको क्या मान लें? ए मान लें, तो आप कैसे लिखेंगे? आप कैसे लिखेंगे? देखो डेल वी सॉल्यूशन मिक्सर इक्वल टू वी ए प्लस वी वी, ये तो वॉल्यूम किसका हो गया? सॉल्वेंट का हो गया। ये वॉल्यूम किसका हो गया? सॉल्यूट का हो गया। दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए? सॉल्यूशन मिक्सर के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। इट मींस आप इसको क्या लिख सकते हो? डेल बी मिक्सर इक्वल टू जीरो, यानी कि सॉल्यूशन मिक्सर जो होता है उसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा? जीरो। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं मैं यहां पे, चेंज इन वॉल्यूम
इक्वल टू जीरो, तो इसको क्या बोलेंगे आप? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना प्रीवियस वीडियो में। तो आप दोनों को ध्यान से देखो, राउल्ट लॉ का जो फॉलो कर रहा है या राउल्ट लॉ को जो ओबे कर रहा है वो आइडियल सॉल्यूशन है। वो किस तरह से ओबे करेगा? इस तरह से ओबे करेगा। और दूसरा आप देख रहे हो कि उस सॉल्यूशन मिक्सर का जो टोटल वॉल्यूम है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम का सम होना चाहिए। इट मीन्स क्या कह सकते हैं? चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो। तो सॉल्यूशन मिक्सर का जो वॉल्यूम चेंज है वो कैसा होना चाहिए? जीरो, यानी कि उसके वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो फटाफट से नोट करो बेटा इनको। आइडियल सॉल्यूशन की जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, देखो हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है ना? आइडियल सॉल्यूशन में जब आपने सॉल्यूशन बना दिया है तो जब सॉल्यूशन जब बन गया है तो उसमें जो चेंज इन एंथैल्पी है वो कैसी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। चेंज इन एंथैल्पी इज जीरो। इट मीन्स उस सॉल्यूशन को बनाते समय ना तो हीट एब्जॉर्ब हो और ना ही हीट रिलीज हो। ठीक है ना? अगर हीट ना तो एब्जॉर्ब है रही है ना ही रिलीज है रही है तो उसके अंदर चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो कैसी होगी? जीरो होगी। और इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो थर्ड लिखेंगे, हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इमिटेड। हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड और नॉर इमिटेड। ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए और ना ही हीट निकलनी चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए? ऑन मिक्सिंग सॉल्यूट बी एंड सॉल्वेंट ए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर ना तो हीट निकलनी चाहिए ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। इट मीन्स डेल्टा एच सॉल्यूशन मिक्सर की क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ क्या कह सकते हैं हम? चेंज इन एंथैल्पी इज जीरो। चेंज इन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो वो सॉल्यूशन भी क्या बन जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि देखो, मैंने आपको समझाया था कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूट होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बिटवीन उसका खुद का अट्रैक्शन फोर्स होता है, और जो सॉल्वेंट होता है उसके पार्टिकल्स के बिटवीन खुद का अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसे एक एग्जांपल मान लें, आपने ये सॉल्यूशन बनाया है, यहाँ पे इसके अंदर आपने सॉल्यूट को मिक्स कर दिया। ठीक है ना? सॉल्यूट को मान रहा हूँ मैं क्या? बी। और ऑलरेडी इसके अंदर क्या भरा था? सॉल्वेंट ए। ठीक है ना? तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर खुद का अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि ए के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स होगा कि नहीं होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा दोनों पार्टिकल्स के अंदर। और इसी तरह से बी और बी के बिटवीन भी क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है ना? इन दोनों के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो उस अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इस एक्स अट्रैक्शन फोर्स का क्या है? मैग्नीट्यूड है। और इसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड को मैं एम से डिनोट कर दूं और ये एक आए तो इसको एम ए लिख सकता हूं और इसके मैग्नीट्यूड को मैं एम बी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड किस मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, ए और बी के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन जब मिक्सर बन जाएगा तो इनके बिटवीन क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना, और इनके अट्रैक्शन फोर्स से जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर सॉल्यूशन का आएगा वो सॉल्यूशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा भाई। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का यूज करोगे ना सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बिटवीन खुद का उसके स्वयं का उसका सेल्फ अट्रैक्शन फोर्स होगा और सेल्फ अट्रैक्शन फोर्स है तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा। इसी तरह से जो सॉल्वेंट आपने यूज़ किया है उसका सेल्फ अट्रैक्शन फोर्स है उसका भी मैग्नीट्यूड है। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो टोटल वॉल्यूम जो टोटल जो सॉल्यूशन मिक्सर है उसके उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको भी नोट करते हैं अब हम। मैग्नीट्यूड की बात आपकी ध्यान में आ गई होगी। नोट करो, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिटवीन है ना, ए बी दोनों पार्टिकल्स एक सॉल्यूट का है और एक सॉल्वेंट का है, दोनों के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए किसके, इज इक्वल किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू सम ऑफ अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट इन अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट इन ए ए एंड, ये तो किसका हो गया, सॉल्वेंट का हो गया, बी वी इन सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात, जो सॉल्यूशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसके सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट लिखते हैं हम कि आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा। आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम जिस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों उनकी सिमिलर होनी चाहिए। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर हैं तो वो दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। क्या फॉर्म कर देंगे, ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर देंगे। तो देखो बेटा, ये हमने 5 प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशन के लिए नोट की है। क्लियर है ना, पहली प्रॉपर्टीज कौन सी थी, तो हल्का सा ध्यान दो, राउल्ट लॉ को क्या करे, वो ओबे करे, पहली प्रॉपर्टीज।
दूसरी प्रॉपर्टीज क्या थी, चेंज इन एंथैल्पी सॉल्यूशन मिक्सर की कैसी हो, जीरो। तीसरी, चेंज इन वॉल्यूम मिक्सर इक्वल टू जीरो। और चौथी क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्यूट सम इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्यूट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्वेंट, चौथी होनी चाहिए। और पांचवी प्रॉपर्टीज क्या कह रही है, पांचवी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टीज जिस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं वो सॉल्यूशन एक आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, क्लियर। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज आपने देखी हैं इनको हम आराम से ध्यान रख सकते हैं, अपनी टिप्स पे ध्यान रख सकते हैं। क्या, राउल्ट लॉ को फॉलो करें, चेंज इन एंथैल्पी जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, और फोर्थ क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड जीरो, फिफ्थ क्या है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सिमिलर। आगे समझ में, पांच के पांचों को आप आराम से इजी वे में ध्यान रख सकते हो। तो ये सब क्या बना लेंगे, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेंगे, क्लियर है ना। अब देखते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन आइडियल होते हैं। तो नोट करें, एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी अगर नहीं पूछा जाता है तो एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के कोई दो एग्जाम्पल लिखिए, या फिर आपको क्या किया जाएगा, दो तीन एग्जाम्पल लिख के दे दिए जाएंगे और सेलेक्ट करवा लिया जाएगा कि किस किस के अंदर आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। सेलेक्ट द आइडियल एंड नॉट आइडियल सॉल्यूशन फॉलोइंग सॉल्यूशंस, तो दिए गए सॉल्यूशंस के अंदर से आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन छांटने पड़ेंगे। तो देखो, पहला एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, मेथेनॉल और एथेनॉल का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लिख दूं मैं, वन क्लोरो ब्यूटेन प्लस वन ब्रोमो ब्यूटेन, इसका जो एक मिक्सर होगा वो भी क्या होगा, एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से और भी एग्जांपल है, बेंजीन और टोल्यूम को अगर आप मिक्स करते हो तो वो भी क्या फॉर्म करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। और देख सकते हैं हम, एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड का जो मिक्सर होता है, एथिल इथाइल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड, इन दोनों का मिक्सर भी क्या हो सकता है, एक आइडियल सॉल्यूशन बना सकता है। इसके अलावा नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, दोनों का मिक्सर भी आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, हेक्सेन और हेप्टेन का जो मिक्सर बनेगा वो भी क्या होगा, एक आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है। और अगर आप पीरियडिक टेबल के 14 ग्रुप का सॉल्यूशन बनाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का मिक्सर जो बनेगा ये भी क्या होगा, एक आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर और एक एग्जांपल और बता सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इसका सॉल्यूशन भी आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो, इसमें से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या
कि अगर देखते हैं, अगर कोई न्यू पूछ ले आपसे, आपसे पूछे कि भाई एल्केन एल्केन सीरीज का कोई एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओ, तो देखो ये एल्केन्स का आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। और ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये 14 ग्रुप के साथ क्लोरीन का आइडियल सॉल्यूशन है। अगर क्लोरीन को आप 14 ग्रुप के साथ मिलाते हो तो वो क्या बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो है, ये है एराइल हैलाइड का आइडियल सॉल्यूशन। किसका है ये? एराइल हैलाइड का आइडियल सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। अब एल्कोहल का देखो, ये किसका है? एल्कोहल का आइडियल सॉल्यूशन। तो जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, अगर ये आपको ध्यान रहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी ध्यान रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन को क्या ध्यान रखना है? हमको ध्यान रखने हैं ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो आप इनमें से कोई भी आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स आप लर्न कर सकते हैं, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल्स को हमें लर्न करना बहुत ही ज़रूरी होता है, हमें ज़रूर लर्न करने चाहिए। तो फटाफट से आप एग्जाम्पल्स को नोट करो। तो ये हमने बात की थी बेटा यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन किस तरह से बना था, आइडियल सॉल्यूशन के क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, आइडियल सॉल्यूशन के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ये हमने यहाँ पर चेक किए हैं। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो हेडिंग डाल देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आप इट मीन आराम से समझ सकते हो। और कैसे समझ सकते हो, कि जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। जिसकी ना तो कंसंट्रेशन फिक्स होती है, ना उसकी कोई एंथैल्पी फिक्स होती है, ना ही उसका कोई वॉल्यूम फिक्स होता है। यानी कि जो आइडियल सॉल्यूशन के पॉइंट्स आपको बताए थे, उन पॉइंट्स को अगर हम नेगेटिव बात करें, उनके अगेंस्ट बात करें, तो वो सब के सब कौन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे लिए आइडियल सॉल्यूशन याद हो जाता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आप इजी वे में ध्यान रख सकते हो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमको स्पेशली कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें इसके जो एग्जांपल्स हैं वो अलग होते हैं, वो हमको अलग से ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो देख दो, बात करते हैं दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, दोज सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट के लॉ का क्या नहीं करते, पालन नहीं करते हैं, एंड आर अकॉम्पेनाइड अकॉम्पेनाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन एंथैल्पी by change in volume and change in enthalpy, उनके वॉल्यूम और एंथैल्पी भी फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं होते, वो भी कैसे रहते हैं, चेंजेबल रहते हैं ड्यूरिंग दियर फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, जब आप सॉल्यूशन को बना रहे हो तो उस टाइम पर ना तो एंथैल्पी फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है, इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलोगे आप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात।
जो राउल्ट के लॉ को फॉलो कर रहा था वो तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, आगे बात समझ। जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखी, ऐसी हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि आपको पता ही है इट इज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ये क्या नहीं करेगा, राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करेगा। और राउल्ट का लॉ क्या था, पी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए था बताओ, पी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए था, पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी इक्वल टू क्या होना चाहिए था, पी बी नॉट एक्स बी। तो सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके सम के इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दोनों के इक्वल होगा। तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाना है, पी ए प्लस पी बी। तो यहां पर पी एस की जो वैल्यू है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो इक्वल नहीं होगी पी ए और पी बी के, ठीक है ना। सबका जो यहां पर पार्शियल प्रेशर होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट। तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये होना चाहिए ना, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए नहीं होगा। तो यहां पर मैं ये इसका मतलब हो गया कि पी एस इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी एस इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सेकेंड क्या लिख सकते हैं हम, हीट चेंज इन जो एंथैल्पी होती है, जब आप इस सॉल्यूशन मिक्सर को फॉर्म करेंगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिक्सर फॉर्म करते समय हीट या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर इमिटेड हो जाएगी। अगर एब्जॉर्ब हुई है तो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, और अगर इमिटेड हुई है तो एक्सोथर्मिक। तो अगर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कोई सी भी रिएक्शन उस सॉल्यूशन को फॉर्म करते समय हो रही है तो उसकी एंथैल्पी के अंदर तो चेंज हो गया ना, और जब एंथैल्पी में चेंज हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन क्या आइडियल होगा, नो, वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं हो सकता। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मिक्सर इज नॉट जीरो, एंथैल्पी में जो चेंज है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। और थर्ड बात इसके लिए क्या कह सकते हैं हम, चेंज इन जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन मिक्सर का, सॉल्यूशन मिक्सर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के सम के इक्वल नहीं होता है। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिक्सर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पर नोट कर सकते हैं इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर है ना। अब और आपने क्या देखा था वहां पर बताओ, फोर्थ कंडीशन क्या देखी थी, और मैग्नीट्यूड जो होगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो नॉट इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी दोनों की सिमिलर नहीं होंगी, ठीक है ना। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल। और मैं यहां पर नोट कर सकता हूं क्या, क्या नोट कर सकता हूं, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ, चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ ए ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका जो सम होगा वो सॉल्यूशन मिक्सर में के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं होगा। यानी कि जो फाइव प्रॉपर्टीज़ आपने आइडियल सॉल्यूशन के लिए यूज़ की थी उन सब को यहाँ पर उसके एकदम अपोजिट में लिख दूँ, एकदम अपोजिट में लिख देंगे तो वो आपके लिए क्या फॉर्म हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ध्यान में रखना कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए उसकी डेफिनेशन और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ या कंडीशंस को आराम से नोट कीजिए और इजी वे में आपको यहाँ पर ये लर्न रह जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट कीजिए और इसके लिए हम दो चार उदाहरण लिख लें। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमको डेविएशंस देखने हैं, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होती हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, जैसे कि आपने राउल्ट लॉ में जो ग्राफ प्लॉट किया था उस ग्राफ के अकॉर्डन यहाँ पर कुछ डेविएशंस आती हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो उसको हम चेक करेंगे। उसको चेक करने से पहले मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल्स यहाँ पर नोट करा देता हूँ। तो देखो एग्जाम्पल्स, एसीटोन प्लस एथेनॉल, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। एसीटोन और एथेनॉल का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। वाटर प्लस एचसीएल, ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अगर आप एसीटोन के अंदर एनिलीन मिक्स करते हो तो भी वहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। और अगर आप पानी के साथ वाटर के साथ मेथेनॉल को मिक्स करते हो तो भी यहाँ पर एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। और ज़्यादा एग्जांपल्स हम इसकी डेविएशन में देखते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो कुछ डेविएशंस शो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, नेगेटिव डेविएशन क्या होती है, इन डेविएशंस को यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जैसे सॉल्यूट ले लिया, डेविएशन कैसे होता है ये देख थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट को कुछ भी मान लो, आप बी मान लो, सॉल्वेंट को ए मान लो, तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बिटवीन क्या होगा, एट्रैक्शन फोर्स होगा। इसी तरह से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बिटवीन एट्रैक्शन फोर्स होगा। और जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको यहाँ पर ए बी ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन भी फॉर्म होगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बिटवीन भी अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन वो फॉर्म होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो सॉल्यूट का अट्रैक्शन फोर्स और सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन आपको पता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेविएशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि जो मैग्नीट्यूड होता है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्यूशन होता है वो इक्वल नहीं होता है किसके, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो टोटल मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल नहीं होता है सॉल्यूशन का मैग्नीट्यूड। तो ये या तो कम होता है या फिर ये ज़्यादा होता है। जब मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो जाता है सॉल्यूशन से सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, तो वहाँ पर उस सॉल्यूशन में डेविएशन आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा, डेविएशन आ जाती है। अब डेविएशन किस तरह की हो सकती है, जो डेविएशंस होती हैं वो दो प्रकार की डेविएशन आती है इसके अंदर, टू टाइप की। एक तो पॉजिटिव डेविएशन आती है इसमें और दूसरी क्या आती है, नेगेटिव डेविएशन आती है। पॉजिटिव डेविएशन में तो क्या होगा, पॉजिटिव जो डेविएशन होगी उसके अंदर तो क्या होगा,
ये ए ए प्लस बी बी यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बिटवीन जो इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है किससे, ए बी से। समझ में आ गई बात। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बिटवीन प्रेजेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है किससे, सॉल्यूशन मिक्सर से। सॉल्यूशन मिक्सर में कौन होंगे, ए और बी होंगे, दोनों होंगे ना। तो ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्या वो डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आ गई बात। और अगर ये कम है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड का जो सम है वो कम है किससे, सॉल्यूशन मिक्सर से, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आ रही है ना बात। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कब शो करता है, तो इन डेविएशंस को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन किस टाइम पर कैसी डेविएशन शो करता है, और उसके लिए कुछ ग्राफ भी हमको प्लॉट करने होते हैं, उन ग्राफ्स को भी हम देखेंगे। क्योंकि ग्राफ आप राउल्ट लॉ में जो आपने सॉल्यूशन फॉर्म किया था, कौन सा वाला, वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट के बिटवीन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों आपने जब वोलेटाइल लिए थे तो उस टाइम पर राउल्ट्स लॉ में आपने ग्राफ को प्लॉट किया था, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर किस तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस आती हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इन डेविएशंस को एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन ओके।